आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेंज लाइफ पर। आजकल दुनिया में लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। आजकल मनुष्य का खान पान ठीक ना होने के कारण वह कमज़ोर हो जाता है और उनकी बॉडी को पूरी मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है और वह कुछ वायरस और बैक्टीरिया के कारण बीमारी का शिकार हो जाते हैं। वायरस कभी भी अपना आप नहीं पनपते, वह किसी जीव जंतु के लिविंग सेल्स में रिप्रोड्यूस करते हैं। मनुष्य के शरीर में बहुत से रोग होते हैं जो वायरस के कारण होते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, स्वाइन फ्लू, डेंगू आदि। आजकल दुनिया में एक और वायरस तेजी से फैल रहा है जिसका नाम कोरोना वायरस यानी COVID-19 भी है। यह एक वायरस का ग्रुप है। इस वायरस से दुनिया भर में लाखों लोग मर चुके हैं। COVID-19 एक पेंडेमिक डिजीज है जिसे महामारी कहते हैं। कोरोना वायरस 2019 में चीन के वुहान मीट मार्केट से फैलना शुरू हुआ था और लोगों के कॉन्टैक्ट द्वारा धीरे धीरे इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। यह वायरस कुछ जानवर में पाया जाता है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यह बैट यानी चिंगादड़ और स्नेक में पाया जाता है, लेकिन अभी तक श्योर नहीं है कि यह वायरस किस पर्टिकुलर जानवर में पाया जाता है। इस वायरस को साइंटिस्ट जूनेटिक भी कहते हैं, जिसका मतलब यह वायरस जानवरों से इंसानों में संचारित होता है, जो रेस्पिरेशन सिस्टम की गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। यह वायरस हमारे नाक, कान और मुंह के द्वारा हमारे शरीर में जा सकता है। इसके सिम्टम्स निमोनिया की तरह होते हैं, जिसमें सर्दी, जुखाम और बुखार होता है। यह वायरस और वायरस के मुकाबले बहुत खतरनाक है, जो गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है और मनुष्य की जान भी ले सकता है। और सबसे बड़ी बात, कोरोना वायरस का अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। बहुत से देश इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश में लग रहे हैं और आने वाले समय तक इसकी वैक्सीन आ सकती है। फिलहाल अभी इससे बचे रहना ही इसका इलाज है। यह बीमारी क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलती है। यह बीमारी रेस्पिरेटरी डिजीज है। कोरोना वायरस नाक से होकर सीधा हमारे लंग्स में पहुंचता है और वहां पर चिपक कर मल्टीप्लाई होता है और फिर अपना असर दिखाता है। इसीलिए इसके ज़्यादातर सिम्टम लंग से आते हैं। हमारे लंग्स पर सूजन आ जाती है। अगर यह वायरस हमारे पेट में जाता है तो यह मर जाता है, क्योंकि पेट में एसिड प्रोडक्शन होता है जिसके कारण यह वायरस मर जाता है। इसका मतलब यह वायरस खाने से नहीं फैलता और ना ही नॉन वेज फूड से फैलता है। कोरोना वायरस बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इटली, जापान, इंडिया और बहुत से देशों में बुरी तरह से फैल चुका है। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे होंगे कि इसके सिम्टम क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोरोना वायरस के सिम्टम क्या है? बुखार आना, जुखाम होना, नाक से पानी बहना, सर दर्द होना, खांसी होना और गले में खराश, इसके लक्षण हैं। अगर यह लक्षण आप में हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कोरोना वायरस से जान जा सकती है? जी हाँ, जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वह कोरोना वायरस से मर सकता है। इसलिए यह वायरस ज़्यादातर ओल्ड मैन और छोटे बच्चों में होता है। इसी के कारण बहुत से लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या कोरोना वायरस का कोई इलाज है? जी नहीं, अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश में लगे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कोरोना से बचने के लिए क्या करें? कोरोना से बचने के लिए सी फूड ना खाएं, क्योंकि यह वायरस सी फूड में भी पाया जाता है। अंडा और मांस पकाकर खाएं, जानवरों से दूरियां बनाकर रखें, संक्रमित लोगों से दूर रहें, मुंह पर हाथ रखकर छींकें, घर से बाहर मास्क लगाकर जाएं और बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करें। थैंक्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।